देखो गिरिधर कविराय जो है तो एक रचनाकार के रूप में इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इनकी रचनाएं जो हैं वो अध्यात्म, नीति और वैराग्य पर आधारित हैं। नीति का मतलब यह है कि जो नीतिगत है आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं उन पर। अध्यात्म का मतलब जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिकवादी दुनिया से बियॉन्ड, इसके परे जो जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, अध्यात्म वाली दुनिया है उसके बारे में। वैराग्य मतलब विरक्ति चीजों से, जो हम विनय के पद वाले में, जो तुलसीदास जी के विनय के पद थे उसमें वो शब्द आया था ना कि जो गति जोग विराग करी मुनि नहीं पावत करके, तो जोग विराग वाला आया था ना, तो उसमें विराग मतलब विरक्ति बताए थे। तो इन सब पर इनकी कुंडलियां हैं। कुंडलिया भी एक कवि की विधा है, एक जेनर है, कविता की एक जेनर है। जैसे आप साखी में दोहा देखे थे और विनय के पद में उसमें आप पद देखे थे, है ना, सूरदास वाले में भी आपने पद देखा था। तो कुंडलिया जो है इसमें क्या होता है कि पहली दो लाइन जो होती है वो दोहा वाली होती है और अगली चार लाइन जो इसमें होती है वो चरण वो जो होती है वो रोला छंद होता है। तो दोहा और रोला मिलकर के ये बनते हैं, ठीक, मतलब व्याकरण के तौर पे आपको बताए दे रहे हैं। जब भी आगे इन पे डिटेल पे कभी जानना होगा तो आप जान लेना। और इसमें बढ़िया चीज़ क्या होती है, जो आप देख दो तो कुंडलिया क्यों है, देखो जैसे सांप होता है कुंडली मार के बैठता है ना, तो उसका मुंह घूम करके फिर पूंछ के पास पहुंच जाता है, तभी तो कुंडली बनती है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे पहला वाला इनका कि लाठी में गुण बहुत है, यहाँ से शुरू होता है और फिर बाद में जहाँ पे खत्म होता है कि हाथ मह लीजे लाठी, तो लाठी से ही शुरू हुआ, लाठी पर ही खत्म हुआ। दूसरे का भी उदाहरण देख लो कि है कमरी थोड़े दाम की, यहाँ से शुरू हुआ और अंत में देखो कि बड़ी मर्यादा कमरी, यानी कमरी से शुरू हुआ कमरी पे खत्म हुआ। तो कुंडलिया एक ये आप देखोगे, और दूसरा ये देखोगे कि जहाँ पर जो पहला जो दोहा है तो उसका जो चौथा वाला चरण है जहाँ पर खत्म होता है उसी से रोला का पहला चरण शुरू होता है। जैसे देखो कि तहां बचावे अंग, और फिर है तहां बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे। तो ये विशेषता होती है रोला की, यानी अगर आपको रोला पहचानना होगा तो ऐसे पहचान लोगे। अब हम लोग आते हैं इसको पढ़ेंगे और एक एक का मतलब जानेंगे। देखो हमसे पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम आपको एक एक चीज का बिल्कुल जेनेरिक मतलब बताएंगे, जेनुइन मतलब बताएंगे, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े। आप जब भी पढ़ो तो उसकी मीनिंग खुद से निकालो, चीजें रटो नहीं। पूरी वीडियो देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना लोगों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला कुंडलिया इनका है कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग। इसमें लाठी के विशेषताओं को बताया गया है। तो लाठी में गुण बहुत है, बहुत सारे गुण हैं लाठी के, उसको हमेशा साथ में रखिए। गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। अगर कहीं पे गहरी नदी है और नारी माने नाली है, नारी स्त्री ना समझ लेना कि स्त्री खतरनाक हो, वो स्त्री है कुछ भी कर सकते हो और तुम लाठी लेके पहुंच जाओ उसके लिए नहीं, नारी माने नाली है। तो जहाँ गहरी नदी नाली ये सब हो वहां पर आपको बचाती है, सुरक्षित बचाती है, लाठी के सहारे आप उसको पार कर सकते हो। और तहां बचाओ अंग झपट कुत्ता कह मारे, अगर आप जा रहे हो रास्ते में कुत्ते दौड़ा लिए तो कुत्ते को मार सकते हैं उससे। और दुश्मन दावागीर होए तिन्हों को झारे, दुश्मन मतलब दुश्मन इनमी, और दावागीर मतलब होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी पे अपना राइट दिखा रहे हैं, ठीक, तो उनको भी उनका भी झारे मतलब उनको भी मारपीट करके उनसे भी आपकी सुरक्षा करता है। तो कह गिरधर कबीराय, मतलब गिरधर कबीराय कहते हैं, गिरधर कहते हैं कि सुनो हो धूर के बाटी। धूर मतलब होता है जैसे मिट्टी पर, मिट्टी के रास्तों पर चलने वाले लोग, बाटी मतलब वही राही राहगीर, ठीक है। सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी, और सारे हथियार रखो न रखो लेकिन लाठी जरूर लेकर के चलो। हो सकता है अब के टाइम में, अब पर्टिकुलर टाइम में ये चीज थोड़ा आउट ऑफ रेफरेंस हो सकती है क्योंकि अब लाठी का जमाना जैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत उपयोग है। एक हाथ में डंडा रहने का बहुत ज्यादा उपयोग है, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं तो कुत्ते वगैरह के लिए डंडा लेकर के जाते हैं, ठीक। तो इसमें सबका मतलब भी आपको पता चल गया होगा, एक एक शब्द का मैंने मतलब बताया। दावागीर मतलब होता है अपना अधिकार दिखाने वाला, अपना दावा पेश करने वाला, ठीक है, और तो सब बता ही दिए ऊपर। दूसरा वाला कुंडलिया देखो कि कमरी थोड़े दाम की, कमरी माने कंबल, थोड़े मतलब थोड़ा, फ्यू सम, दाम माने पैसा, यानी कुछ कुछ रुपये, कुछ रुपयों की कंबल जो होती है बहुत आवे काम, वो बहुत काम आता है आपके। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, खासा और मलमल ये सब और वैरायटीज हैं, ठीक, जो कि महंगे आते हैं
उनके राखेमान का मतलब हुआ कि ये उनकी जगह पर भी काम आता है। उनकर राखे मान बंद जा आड़े आवे बकुचा बांधे मोट राती को झार बिछावे। मतलब अगर मान लो कि आपको कहीं जाना वाना हुआ तो क्या करो कि बकुचा बांधे मोट, मतलब उसको लपेट के कंबल को, और बकुचा माने होता कि पोटली जैसा बांध लो, और रात को झार बिछावे बिछावे, और जब कहीं रात को रुकना हुआ तो उसको खोल के झाड़ के बिछा लो, क्योंकि कंबल हल्का है उसको लेकर के आराम से चल दोगे। अब क्या मोटी मलमल की रजाई थोड़ी ना लेकर के जा पाओगे। तो कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कबीराय कहते हैं कि दमरी माने पैसा, थोड़ी सी थोड़े से पैसे में, दमरी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये शब्द सुने होगे ना, तो मिले थोड़े दमड़ी तो कम पैसों में मिलती है। और सब दिन रखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, और हमेशा आप उसको साथ में रख सकते हो और वो हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है, पहला वाला लाठी में गुड़ बहुत वाला हो गया, दूसरा कमरी के बारे में, कंबल के महत्व, पहले लाठी के महत्व को इन्होंने बता दिया, दूसरे में कंबल के महत्व को बता दिया, अब लाठी के महत्व को हम भी बता दें, जो हम लोग बना बना के खूब कहते थे। आप तुम लोग भी दोस्तों में बना बना के कह सकते, हम लोग कहते थे जैसे रहीमन लाठी राखी है नौमन तेल पियाए, और ना जाने कब कहाँ करियर एग्जाम्स के हेटर्स मिल जाए। नौमन, नौमन जो मन शब्द है ना, ये भी एक यूनिट है मेजरमेंट की, जैसे अभी दमड़ी वर्ड आया है मन, शेर, तोला, पसरी, पसेरी, ये सब जो है ट्रेडी पहले के चलने वाले, ये सब यूनिट्स हैं। ठीक, चलो तीसरे वाले पे आते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, मतलब सीधी सी बात है कि सारी चीजें नीतिगत दोहे हैं, आपके लिए जरूरी है। तो गुण के गाहक सहस नर, गुण क्वालिटी मतलब आपके अंदर जो स्किल्स हैं, स्किल्स की बात करो तो गाहक माने ग्राहक, कस्टमर, सहस्र माने हजार, यानी आपके अंदर अगर स्किल्स हैं तो फिर आपके कस्टमर्स यानी आपको चाहने वाले हजारों हैं, और बिन गुण लहे न कोय। और अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। नर माने मनुष्य होता है। तो जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, कौआ कोयल, कागा माने कौआ, कोकिला माने कोयल, ठीक, दोनों को सब लोग सुनते हैं। दो एक रंग शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, और उसमें दोनों के शब्दों में कोकिला यानी कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है, कौआ तो किसी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी आवाज खराब है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो दो को एक रंग, देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे जो है वो अपावन है, उनको अपवित्र माना जाता है, उनको कोई बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, कौवे को लेकर के तो बहुत सारे बैड ओमेंस भी हैं, सुपरस्टिशन भी हैं, उनकी आवाज भी कोई नहीं पसंद करता। अब देखो अगर हो सकता है तुम लोगों को आवाज आ रही हो तो ठीक है, वरना देखो कुत्ता जोर जोर से बोल रहा है, अब लाठी होती तो झपटी कुत्ता का हमारे पे, दो लाठी में इनको लगा के फिर वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो दो को एक रंग, काग सब भय अपावन, तो कौवा तो सबके लिए खराब है। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, तो गिरधर कबीराय कहते हैं कि हे मन सुनो, मतलब संबोधन है। ठीक है, जैसे संबोधन के लिए शब्द माय लॉर्ड, योर हाइनेस, ऐसे सब वर्ड यूज किए जाते हैं, ऐसे यहां पर भी शब्द यूज किया गया, एड्रेस किया गया है कि बिन गुण लहे ना कोय सहस नर गाहक गुण के, कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है तो फिर आपका कोई महत्व नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो भी सहस नर गाहक गुण के, तो फिर हजारों नर, हजारों मनुष्य ग्राहक हैं उन गुणों के, उन स्किल्स के, गुण के हजारों लोग ग्राहक हैं। तो इसलिए ये अब आप लोगों के लिए है कि आप कब जाने पहचाने जाओगे, जब आपके अंदर खुद की स्किल्स होंगी। ठीक है, अभी इसका रेफरेंस फिर देंगे कुंडलिया में, तब और समझ में आ जाएगा। अभी एक कहानी भी बताएंगे, मतलब बहुत लंबी कहानी नहीं, अपने से जुड़ी ही बता देंगे। अगली कुंडलिया है कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक तुम्हारे पास पैसा है गांठ में, पैसे मतलब ये है कि आपको पता होगा कि पहले लोगों के पॉकेट वॉकेट नहीं होते थे, पर्स वगैरह नहीं होती थी, धोती पहनते थे या साड़ी पहनते थे तो उसमें उसी गांठ में पैसा बांध लेते थे। तो वही है कि, तो मतलब वही निकला कि तो जब लग पैसा गांठ में, यानी जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब लग ताको यार, तब तक लोग तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे। और तब लग ताको यार, नहीं यहां से सुनोगे, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब इस संसार में खाली मतलब का व्यवहार है, लोग अपने स्वार्थ की वजह से जुड़ते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे
यार है और तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, और तब तक तो तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे साथ साथ ही चलेंगे, संग संग डोले साथ साथ ही चलेंगे, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, और पैसा अगर खत्म हो गया तो मुँह से बात तक नहीं करेंगे। तो कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कबीराय कहते हैं कि ये संसार की रीति है, मतलब इसमें तुम ऐसा कुछ मत समझना कि तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है, दोस्त ही बुरे हैं, ऐसा हो ही रहा है तो क्या करोगे। तो करत बेगरजी प्रीत यार बिरला कोई साई, करत बेगरजी बिना गरज के बिना काम के अगर कोई तुमसे प्रेम करता हो, बिना स्वार्थ के अगर प्रेम करता हो तो यार बिरला कोई साई, ऐसा कोई बिरला ही है, कोई ही ऐसा मिलेगा जो बिना किसी लगाव के, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी स्वार्थ के, सेल्फिशनेस के आपसे प्रेम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्किल्स जरूरी है, आपके पास पैसा होना जरूरी है। अगला दो, अगला देखिए कि रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोय, और छाह न वाकी बैठिए जो तरु पत्रो होय। यहाँ पे तरु माने होता है वृक्ष, पत्रो माने पतला, लेकिन यहाँ पे जो मोटे वृक्ष है उसका मतलब हुआ कि अनुभवी मनुष्य, और पत्रों का मतलब हुआ कि ऐसे मनुष्य जिनको अनुभव नहीं है। ठीक, तो ये दूसरे रेफरेंस पर इसका मीनिंग निकलेगा और समझ जाओ, समझाएंगे इसको ये पेड़ का रेफरेंस लेकर के। तो यही है कि छाह न वाकी बैठिए जो तरु पत्रो हो, मतलब अगर आपको धूप लग रही है, आप जब परेशान हो तो आप किसकी संगति में जाओ, आप अनुभवी लोगों की संगति में जाकर के बैठो, बिना अनुभव वाले लोगों के साथ में मत बैठो। यानी आप एक बड़े मोटे वृक्ष की छाया में बैठो जो कि काफी अनुभवी है, मतलब बड़ा वृक्ष है तो काफी ज्यादा टाइम उसका बीत चुका है। तो जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, अगर कोई वृक्ष पतला है यानी व्यक्ति नया नया है, ज्यादा अनुभवी नहीं है, तो वो क्या एक दिन धोखा देगा, मतलब वो हल्की कैसे धोखा देगा कि जा दिन बहे बयारी टूट तब जरसे जी है, हवा चलेगी वो जड़ से टूट जाएगा, उसके पास अनुभव नहीं है, वो खुद मतलब वो खुद अस्थिर है, वो आपको क्या सहारा दे पाएगा, हल्की सी विपदा में वो खुद डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपको क्या सहारा दे पाएगा, क्योंकि उसके पास खुद ही कई सारी विपदाएं पहली पहली बार आई होंगी, उसको कुछ कोई अनुभव नहीं होगा। तो कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, गहिए माने पकड़िए, उसके साथ में रहिए, तो मोटे मतलब मोटे वृक्ष मतलब अनुभवी वृक्ष की छाया में रहिए, और पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। अगर मान लो उसकी सारी पत्तियां झर जाए यानी वृद्ध हो जाए व्यक्ति काफी ज्यादा, तो जैसे वृक्ष की सभी पत्तियां, अगर मोटे वृक्ष की सभी पत्तियां भी झर जाएंगी तो भी मतलब भर की छाया रहेगी, उसकी डालों की छाया रहेगी। ठीक है, तो वो मतलब अनुभवी व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जाए आपको उसके अनुभव का साथ मिलता रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम। यानी अगर नाव में आप चल रहे हो, कभी नाव के सफर किए होगे तो नाव में छेद वगैरह हो जाते हैं तो नाव के अंदर पानी आने लगता है, और ज्यादा पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। तो ये अगर पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दाम माने पैसा, तो क्या करो कि दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम, मतलब नाव का पानी भी दोनों हाथ से उलीचिए और घर का पैसा भी, या घर का पैसा उलीचिए मतलब फेंक मत दीजिए, मतलब लोगों को दान करिए। ठीक है, मतलब जो जरूरतमंद है उनको दान करिए। ठीक है, अभी जो स्वर्ग बना सकते हैं करके रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, ये सब रिलेट करेंगी कविताओं से, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक तरीके से इसको जानते समझते रहिए, तो कभी जब ऐसा आपको रेफरेंस वगैरह देना होगा तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए, दान दीजिए और राम का सुमिरन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। सुमिरन माने सुमिरना, याद करना, चैंटिंग, चैट नहीं बोले हैं फिर हेलो हाय करने लगो। अब पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए, पर स्वार्थ दूसरों की स्वार्थ के लिए, भलाई के लिए, परोपकार के लिए शीस आगे धर दीजिए, मतलब हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहिए, सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहिए, मदद करिए लोगों की। कह गिरधर कबीराय बड़े की याही बानी, मतलब बड़े लोग जो बड़े लोग का मतलब क्या उम्र में बड़े नहीं, महान लोग की याही बानी, बानी माने बोली, उनकी कहावत, उनकी बातें, उनकी उनका कहना यही है कि चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, कि अच्छी चाल चलिए, अच्छे काम करिए। चाल सुचाल मतलब चाल मतलब चाल और सुचाल अच्छी वाली चाल, और चाल सुचाल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अच्छे अच्छे काम करिए और राखिए अपना पानी, मतलब अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपना यश,
बरकरार रखिए। पानी के कई सारे मीनिंग है, आपने ये दोहा भी पढ़ा होगा, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। हमें पानी के कई सारे अर्थ है, एक पानी माने पीने वाला पानी, एक पानी माने शर्म इज्जत, है ना, तो ये सब, और एक पानी माने चमक ब्राइटनेस किसी चीज़ की, जैसे कहते हैं कि अंगूठी का पानी उतर गया है तो उसकी चमक उतर गई है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी मतलब रेस्पेक्ट, अपनी अपनी पहचान, अपना यस। अब आखिरी वाला देखते हैं, और ये वाला वही जो है गुड़ वाले से रिलेट करेगा, मैंने कहा था ना कि ये आएगा तो अपने जो वही गुड़ से रिलेट करेगा फिर से। तो यहाँ पर देखो क्या है कि साईं तहां ना राजा के दरबार में जैसे समया पाए। अब देखो जब ये दोहा लिखा गया उस समय राजतंत्र था, ठीक, यानी मोनार्की थी, आज जैसे डेमोक्रेसी नहीं थी, तो राजा थे, प्रजा होती थी, उनके मंत्री होते थे, राजा के दरबार में लोग जाते थे। तो है कि राजा के दरबार में तभी जाना चाहिए जब ऐसा कोई मतलब सही समय देख करके ही जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और पहुंच गए। तो अब यहाँ पे जैसे आज के रेफरेंस में क्या देखोगे, आज के रेफरेंस में ये देखोगे जो बड़े लोग हैं, मतलब आपसे जो बड़े लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, इस तरीके जो लोग हैं, तो उनके यहाँ अवसर के हिसाब से जाना चाहिए, ये नहीं कि जब हुआ तब पहुँच जाओ। और साईं तहां न बैठिए जहाँ को दे उठाए, ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पर कोई भी आपको वहाँ से उठा दे, आपसे आपकी वहाँ पे इज्जत ना हो, ऐसी जगह पे मत बैठिए, ठीक है। तब यहाँ यहीं पे आत्मसम्मान जो होता है ना, कि सेल्फ रेस्पेक्ट की बात यहीं पर आती है, और सेल्फ रेस्पेक्ट की आप अपने परवाह करिए, वो ऐसी जगह जाइए ही मत जहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट ना होती हो। मैंने कहा था ना, मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं एक जगह गया था तो था ये कि मेरे घर का कार्ड था, मतलब पापा के नाम से कार्ड था, मुझे वहाँ पे जाना था। तो अब चूंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मुझे कोई पहचानता नहीं है, और मुझे अपने आप से ऐसा फील हुआ, तो फिर मैंने उसी दिन से कहा कि मैं अपना नाम बनाऊंगा पहले। तो फिर मैंने उस पर कदम बढ़ाया और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो यानी तो वहाँ गुड़ से इतना कि अपना गुण भी लहाए ना कोई, तो अपने गुण बढ़ाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, और फिर ऐसा है कि जब आप जब चीज़ें डिजर्व करना शुरू करिए, तब फिर आप ऐसी जगहों पर जाइए, ठीक है। और ऐसा जब आप ऐसे सोच रखोगे तो आप सर्टेनली ग्रो करोगे, ग्रोथ करोगे, ठीक है, आपकी स्किल्स अपनी बढ़ाओगे और बढ़ेंगे भी। तो जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, बोल अनबोले रहिए मतलब चुप रहो, कम बोलो, कम बोलने वाले सबसे अच्छे होते हैं। कम बोलने वालों पर मैं एक अलग से मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो बनाना चाहता था, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। देखो कम बोलोगे तो लोग आपकी बातों पर भरोसा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बोलने वाले लोगों पे आदमी भरोसा कम करता है, उसको बेकार का वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला उसको बोलता रहता है। इसके महत्व की मैं बात एक अगले वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो बना के फिर मैं बताऊँगा कि कम बोलना किस तरीके से, बड़ी बहुत बेहतरीन कहानी है, उसको मैं कोट करूँगा, कलमा भी सुनाऊँगा, उर्दू वाला मुझे याद है, तो देखना कि मुझे थोड़ा बहुत उर्दू भी आती है तो उसमें सुनाऊंगा, देखिएगा। तो बोल अनबोले रहिए, कम बोलिए मतलब ना बोलिए, और हंसिए नहीं हाय, ये नहीं हर बात पे हा 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 करके हंस दिए, गंभीरता बना करके सीरियसनेस रखिए, और ना लोग आपको ठेलुआ समझ लेंगे। ठेलुआ एक वर्ड है, मतलब ऐसे जो वेगाबांड होते हैं, जो सीरियस नहीं रहते हैं, तो ऐसा समझ लेते हैं, यानी आपकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेगा। तो हंसिए नहीं हा 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 करके, हंसिए मत बेवजह, और बात पूछे थे कहिए, मतलब जो बात पूछी जाए, जो बात करी जाए उतना ही बोलिए, अनावश्यक मत बोलिए। आपको आप देखा होगा कि आपके घर में लोग भी अनावश्यक दोनों के बीच में बोलने से डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, क्योंकि जब आपको कोई बुला नहीं रहा, आपसे कोई पूछ नहीं रहा, तो आप जान रहे हो जानो, बीच में बोलोगे तो लोग आपको फिर ये नहीं समझेंगे आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, फिर वो बस आपको बेवकूफ़ भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी की वैसे भी सुनना कहाँ चाहता है, सब अपना अपना ही तो केवल बताना चाहते हैं। तो बात पूछे थे कहिए, कहा गिरधर कविराय समय सो कीजिए का जा, मतलब टाइम देख करके काम करिए, ठीक है। हथौड़ा तभी मारिए जब लोहा गर्म हो, बेवजह हथौड़े नहीं मारे जाते, समय के हिसाब से काम करिए, जब जिस चीज का टाइम हो तब वो करिए। और अति आतुर नहीं होए बहुर अनखई है राजा, और ज्यादा ज्यादा आतुरता, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए, ज्यादा एक्साइटमेंट में काम खराब हो जाता है। फर्स्ट बार आप इंडिपेंडेंस आप देखते हो, ज्यादा आतुरता कर दी गई थी तो सफलता नहीं मिल पाई, और इस तरीके से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में। तो आतुरता नहीं आनी चाहिए, बहुर अनखई है राजा, और चूंकि ये राज दरबार की बात हो रही है तो अगर ऐसा करोगे तो राजा गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ पे जैसे वहाँ के रेफरेंस में राजा गुस्सा हो जाएंगे, यहाँ के रेफरेंस में जो बड़े लोग हैं,
जो ऐसे लोग हैं जिनसे आपका काम बनना है वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपको क्या शिक्षा मिली कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बेकार में हंसना नहीं चाहिए, बेकार में लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना, वहाँ जाना नहीं चाहिए जहाँ की आप जहाँ पर आपकी कोई सुनता ना हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाओगे। तो एक कुंडलिया था, शब्दों के मतलब मैंने बता ही दिए, जो पूछे जाते हैं मीनिंग आपको पता होगी, प्रश्न जो आएंगे आप उसको बेहतरीन लिख ही लोगे। कवियों के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, जितना पूछा जाता है उतना मैंने बता दिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक बार उठा के हिंदी का पूरा सॉल्व करा दूंगा, जल्दी ही ग्रामर भी मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा। वीडियो को शेयर करिए, व्यूज़ वगैरह इस पर आने चाहिए, आते रहेंगे तो मैं बेहतरीन वर्क करता रहूँगा। वीडियो शेयर करिए, मिलते हैं फिर एक अगली कविता के साथ में जल्दी ही। ओके, बाय बाय।